आप सभी को प्यार भरा जय श्री कृष्णा। दोस्तों आप लोग कैसे हैं, गेस करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक पलटा सीखने जा रहे हैं, जो कि पलटा कायदे नंबर 4 का है। ये दिल्ली घराने का पलटा है, 3 ताल 16 मात्रा में है। तो इसका बोल इस प्रकार है, धाति धाति धागे नाधा त्रिगृ धागे नाधा त्रिगृ धाति धागे नाधा त्रिगृ धाति धागे तीना किना ताति ताति तागे नाता त्रिगृ तागे नाता त्रिगृ धाति धागे नाधा त्रिगृ धाति धागे धीना किना। एक बार और आप सुन लीजिए ताकि आप लोग कॉपी पर लिख सके। बोल है, धाति धाति धागे नाधा त्रिगृ धागे नाधा त्रिगृ धाति धागे नाधा त्रिगृ धाति धागे तीना किना ताति ताति तागे नाता त्रिगृ तागे नाता त्रिगृ धाति धागे नाधा त्रिगृ धाति धागे धीना किना। इस बोल को बजाने से हमारा हाथ भी फ्रेश होगा और अच्छा से अच्छा हम लोग तबला प्ले कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक बोल को सीखते हैं कि जैसे धा कैसे बजाएं, ती कैसे बजाएं, है ना। इस प्रकार आइए सबसे पहले हम लोग इस बोल को सीखते हैं। एक बार इस एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर से बोल को हम लोग सीखते हैं। बोल है, इस प्रकार है, धाति धाति धागे नाधा त्रिगृ धागे नाधा त्रिगृ धाति धागे नाधा त्रिगृ धाति धागे तीना के ना ताति ताति तागे नाता त्रिगृ तागे नाता त्रिगृ धाति धागे नाधा त्रिगृ धाति धागे धीना के ना। इस प्रकार है, इसमें एक भरी भाग है, एक खाली वाला भाग है, ठीक है। जैसा कि हमने कई सारी वीडियो में बताया है कि देखिए पलटे कायदे में भी दो विभाग होते हैं और पलटे में भी दो विभाग होते हैं, ठीक। पहला भाग भारी तथा दूसरा भाग खाली है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला भाग जो भारी वाला भाग है उसको बजाते हैं, फिर खाली वाले भाग को बजाते हैं। खाली वाले भाग कौन सा होगा, जिसमें हम लोग डग्गे का प्रयोग नहीं करते हैं, जिस प्रकार हो गया ता, है ना। तो ता के साथ डग्गे का प्रयोग नहीं होता, अगर डग्गे का प्रयोग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, धा बन जाएगा, तो भारी भाग हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों, है ना। तो आइए हम लोग इस बोल को एक एक बोल को सीखें। सबसे पहला बोल है धा। अब धा कैसे बजाएं, तो देखिए अंगुल को इस प्रकार रखना है और धा बजाना है। स्याही और लौ के बीचों बीच ये जो भाग देख रहे हैं, बीचों बीच वाला भाग, तो यहाँ इस प्रकार इस फिंगर को रखना है, बीच वाला भाग, ये जो बीच वाला फिंगर है ये उठा रहेगा और फर्स्ट फिंगर से चाटी पर नाव और डग्गे पर घे, घे इस प्रकार घे है, ना और घे, ये दोनों मिलकर के बन जाएगा धा। और स्याही के बीचों बीच ती, धा ती, इस फिंगर से भी बजा सकते हैं, दोनों फिंगर से बजा सकते हैं, धाती, जो आपको सहूलियत हो, धाती धाती, इस प्रकार है, धाती धाती धागे नाधा त्रिगृ धागे नाधा त्रिगृ, धाती धाती धागे, है ना, धागे, इस फिंगर से, ठीक है। इस फिंगर से भी बजा सकते हैं, लेकिन जैसे बोल बजाते हैं ना, धाती धाती धागे, जब धा और गे, तो इसका प्रयोग करेंगे तो बोल हमारा खिलेगा, है ना। अगर मान के चलिए इसी को हम सिर्फ प्रयोग करते रहें तो बोल सुनने में भी मज़ा नहीं आएगा, है ना। इसलिए हम लोग कुछ बेहतर के लिए इसको भी लगाएं, है ना, धाती धाती धागे, इस प्रकार धाती धाती धागे नाधा त्रिगृ धागे नाधा त्रिगृ, है ना, धाती धाती धागे, है ना, ना धा ती र कीट, त्रिकिट बजाने के लिए स्याही के बीचों बीच ती, फर्स्ट फिंगर से र कीट, ती र कीट, इस प्रकार, ठीक है। धाती धाती धागे नाधा त्रिकिट धागे नाधा त्रिकिट, अब है धाती धागे नाधा त्रिकिट धाती धागे तीना गिना। अब इसे कैसे बजाएंगे, देखिए धा ती धागे ना धा ती र कीट ती र की ट, इस प्रकार, है ना, धाती धागे नाधा ती र की ट, धाती धागे तीना गीना, है ना, तीना गीना। अब देखिए तीना गीना कैसे बजाएंगे, तो तीना गीना बजाने के लिए लौ पर ती के साथ जो है कि हम क को मिला देंगे, इसे क कहेंगे, ठीक। तो ये दोनों एक ही साथ कहेंगे ना, तो ती की आवाज आएगी, ती और चाटी पर ना, तीना कीना तीना कीना, इस प्रकार की ना, इसे क कहेंगे या की कहेंगे, ठीक है, के भी कह सकते हैं, तो की ना, इस प्रकार, है ना। हाँ,
तीना गिना या तीना किना भी कह सकते हैं। ठीक, अब है खाली भला भाग, जो हमने बताया था ताती ताती तागे नाता त्रिगिर धाती धागे नाता त्रिगिर धाती धागे धीना गिना। अब देखिए इसे कैसे बजाएंगे, तो सबसे पहला बोल है ता, ता बजाने के लिए चाटी पर, हमने फर्स्ट में बता दिया था कि ता कैसे बजाएंगे, ता ता चाटी पर बजेगी। ठीक है, ता और स्याही के बीच बीच ती, ताती ताती है ना, ताती ताती तागे ना ता तीर किट, तागे ना ता तीर किट, इस प्रकार ता ती ता ती है ना, ता चाटी पर और ती स्याही के बीच बीच, ताती ताती इस प्रकार। ठीक है, ताती ताती ता गे, अब तागे कैसे बजाएंगे, तो ता और गे इस फिंगर से। ठीक है, या इस फिंगर से भी बजा सकते हैं, तागे तागे है ना, इस प्रकार ताती ताती तागे ना ता, ना और ता, हमने फर्स्ट में बताया था कि चाटी पर ही ना और ता बजेगी। ठीक है, तो ना और ता, ताती ताती तागे ना ता क्रिकेट, क्रिकेट बजाने के लिए सियाही के बीच जो भी थी, फर्स्ट फिंगर से रह की ती रिट है ना, अब है ताती ताती तागे नाता त्रिकेट, तागे नाता त्रिकेट है ना, तागे फिर है तागे इस प्रकार, तागे नाता त्रिकेट है ना। इस प्रकार ताती ताती तागे नाता त्रिकट, तागे नाता त्रिकट, अब है धाती धागे नाता त्रिकट, धाती धागे है ना। जिस प्रकार हम लोग इसे कायदे का टेक भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे कायदे का टेक कहते हैं। देखिए जिस प्रकार हमने बजाया ना, ताती ताती तागे नाता त्रिकट, तागे नाता त्रिकट, धाती धागे नाता त्रिकट, धाती धागे धीना गिना, कायदा क्या है, धाती धागे नाथा त्रिकट, धाती धागे तीना गिना, ताती तागे नाथा त्रिकट, धाती धागे धीना गिना, इस प्रकार है ना। तो जो हमने लगाया नीचे ताती तागे नाथा, ताती तागे नाधा सॉरी ताती तागे नाथा त्रिकट, धाती धागे धीना गिना, तो वो इसे कायदे का टेक कहेंगे। ठीक है, सारे बोल को एक बार एक्सप्लेन कर लीजिए, ताती ताती तागे नाता त्रिकट, तागे नाता त्रिकट, धाती धागे नाधा त्रिकट, धाती धागे धीना गिना। ठीक है, तो इसी प्रकार धाती धागे नाधा त्रिकट है ना, धाती धागे नाधा त्रिकट, धाती धागे धीना गिना, इस प्रकार। इस प्रकार ठीक है, अब सारे बोल को एक्सप्लेन करते हैं। रियाज करने का तरीका आप लोग सीखिए, सबसे पहले हम लोग ठा की लय में बजाएंगे, फिर उसके बाद दुगुना करेंगे, फिर उसके बाद चौगुना करेंगे, इस प्रकार। देखिए रियाज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका इस प्रकार, इस प्रकार। अब इससे थोड़ा और फास्ट करेंगे, देखिए इससे और फास्ट करेंगे, देखिए थोड़ा मतलब फास्ट हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है,
अब थोड़ा और फास्ट करेंगे, इस प्रकार देखिए।